जैसन बर्ताव वो कल हमरे साथ कैले वैसन पहले कबो ना कैले। अगर ऐसे ही रहल तो वो बहुत जल्दी वो हमसे दूर चल जाई है। वो तनु की डेट तक दे देले, और अगर वो अपन जीत पे आ गए तो वो तनु से शादी भी कर ली है। हमके बहुत जल्दी कुछ करे होगी, तनु की असलियत उनके सामने लावे होगी। पर दी आप इतना कुछ ऑलरेडी कर चुकल बनी, इतना चीज ट्राई कर चुकल बनी, और ही का कर सके नहीं हम। अब वो भी एगो रास्ता बा। हमनी एक साथ अभी के सामने जाके सब सच बता देता नहीं, और ओके ओकरे फैसला पे छोड़ देता नहीं कि वो केकरा पे भरोसा करे और केकरा पे ना करे। ये अब का करल बानी दादी? अगर ये करे के रहे तो इतना इतना नाटक करके का जरूरत रहे? हमके अपन रूप बदलने के का जरूरत रहे? इनसे इनसे इनकर प्रॉपर्टी इनकर पैसा छीने के का जरूरत रहे? वैसे भी दादी अगर अगर हमने वो बकत इनसे ये सब बात कह देले होती तो शायद इन पे कुछ असर हो। अब तो बिल्कुल ना होगी, सबके सामने इनकर दुश्मन बन चुकल बानी हम। इनके ये लागी कि हम झूठ बोल रहल बानी, सिर्फ यही इलाका है कि कहे कि हम इनकर शादी तनु से ना करवावे चाहत बानी। दादी अब जाने लेना तनु कौनो तरीका से इनके कन्विंस कैले बिया, वो पूरा तरीका से माने ले कि वो बच्चा ए नहीं करे बा। ऐसे में अगर हम जाके इनसे ये सब बताई तो हम तनु के ना खुद के झूठा साबित कर ले, तो फिर और हम का करें? हम अभी के तरह से दूर जात ना देख सके, हिम्मत हार चुकल बानी हम। अभी भी घबराहट से हो खेले कि अचानक अगर हमरे सामने कुछ हो गई तो हम कैसे बर्दाश्त करब। दादी अब काहे ऐसे घबरा रहल बानी? देखिए हम आपके तकलीफ समझत बानी, लेकिन आपके उहे हिम्मत रखी हो कि जे आप हमके देवेनी, आप हार ना मान सकेनी। हम वादा करतानी तनु के असलियत हम जल्दी जल्दी इनके सामने लेके आई। कली सब कुछ ठीक हो जात, लेकिन इनके ही वजह से हम तनु के बच्चा के पिता की शकल ही ना देख पाईनी। दीपर आप तो वहाँ? हाँ पूरा हम भी ये सोच के गयल रहनी कि तनु उ इंसान से मिले जा रहल बिया जे तनु और आलिया के मदद करल बा, लेकिन वहाँ जाके जब हम उ दोनों की बात सुन ली तो हमके पता चलल कि उ इंसान और केहू ना बल्कि तनु के बच्चा के पिता है। यही हम ज्यादा रिस्क भी लेनी, ज्यादा देर हुआ रुके के भी कोशिश करनी, लेकिन हम ओकर सकल ही ना देख पाईनी। खैर कौनो बात ना, अब जे हो गल सो हो गल, अब हमनी के अलर्ट रहे पड़ी। अब तनु के उल्टा गिनती शुरू हो गल बा, अब ओकर सच सबके सामने आके रही। अंदर आवे से पहले नॉक न कर सकत रहलो? ये पूरा घर हमार है, यहाँ कहीं भी जाए खातिर हमके केहू के परमिशन के जरूरत ना है। अच्छा बहाना है खुद के घर बता के केहू के भी जासूसी करे के। तहार जासूसी करके हम तहरा के कौनो ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देवे चाहत बानी, वैसे भी तहरे बार में सब कुछ तो जाने ली हम। का मतलब है तहार? मतलब ये बा कि तू अपन असली चेहरा हमसे छिपा ना सकेलू। देखा अगर तू फिर से ही बकवास करे आयल बाड़ू था हम। तनु अगर तू हमार कौन भी बात की बकवास समझबू ना, नुकसान तह रही होगी। खैर हम तरह से तार जवाब पूछे आयल बानी। कौन बारे में? इतना जल्दी भुला गयलू? कौन बात ना हम याद दिला देता नी, कल हम तरह के एगो ऑफर दे ले रहनी। वो बारे में? वो बारे में सोचे के कहा, हम कौनो ऐसे इंसान के जानत ना बानी जेके तू ढूंढ रहल बाड़ू। और रहल बात हमार दोस्त के, तो हम सोच भी ना सके की हमार होखे वाला पति के बर्बाद करे छात्र। अगर हमके पहले पता होगा तो हम उसे दोस्ती रखती ही ना, उतरे तरह ही तो निकले। तू तो खुदे अभी के बर्बाद कर ले बाड़ू, फिर तहरा के का फर्क पड़ेला कि अभी के बर्बाद करे चाहत बा? फर्क पड़ेला काहे कि जे इनके बर्बाद करके कोशिश कर रहल बा उही के वजह से बुलबुल के जान गल बिया, और ओ के पकड़ब हमरा ला बहुत जरूरी है। मतलब हमार डाउट सही निकलल, तू दोनों बहन मिलल रहलो और दोनों मिलके सबके बेवकूफ बनौलो। देखा तू वहाँ बैठ के जी सोचे चाहत बाड़ू सोच सकेलू, पर ई याद रखिया कि अगर तू हमार मदद ना कैलू ना तो हमसे कोनो तरह के मदद के उम्मीद मत रखिया। मजाक कर रहल बाड़ू? मजाक तो तहार बानी, शायद तू ध्यान ना देलू या तरह के पता ना बिया या तू भूल गयल बाड़ू कि हमार इनसे ऑफिशियली डिवोर्स भइल ना बा। देखा वो दिन जोनो पेपर्स पे ई साइन कैले रहले वो डिवोर्स पेपर्स ना प्रॉपर्टी पेपर्स रहल,
एला तहरा से शादी करे खातिर इनकी हमसे ऑफिशियली डिवोर्स मांगे होगी और ये हम पे डिपेंड करेला कि हम इनके डिवोर्स देब की ना। मदद की जरूरत तहरा के पड़ी ही। देखा तू इनकी शादी खातिर उकसा देलू, लेकिन तहर शादी बिना हमरे परमिशन के तना हो सकत। और जहाँ तक वो आदमी की सवाल हो के तो हम ढूंढ ले। तू बस ये प्रार्थना कर कि तहर सच सामने ना आवे। काहे कि ओकरे बात तू एक ही ससुराल जाइबू जहाँ तार बेस्ट फ्रेंड गैल बिया। ऑल द बेस्ट। कब ले इसे का देखा तारू? अभी यहाँ पे कोनो होटल या रेस्टोरेंट दिखाई ना देत बा। हमने खाना कहाँ खाए? स्टॉल पे। यहाँ बहुत अच्छा खाना मिले ला। बचपन में हम ऐसे खातरा ली। 50 रुपए के स्पेशल थाली। तारा बहुत अच्छा लगी। मजाक कर रहा बड़ा? मजाक मतलब? अभी हम यहाँ पे खाना कैसे खा सके नी? I'm sorry, हम ना खा पाए। अभी एक तो हमके ऑटो में हिजा लेके आए और अभी लंच करावे खातिर ही ठेला पे लेके आए बड़ा। अभी अब हमने कितना टाइम के बाद लंच पे निकल बानी और तुमके का ई दिखावे लेके आए बड़ा। और अगर ऐसी करे के रहे तो हम घर पे अच्छा रहनी ना। रुको 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 रुको, ओ चाय की टपरी दिख रहा बा? हाँ। चल के चाय पियल जा। हमारा मतलब है अगर अगर आपके रॉक स्टार इमेज की ज्यादा ठेस ना पहुंची तो वहाँ चल के चाय पियल जाओ। कमॉन, अभी का सोच रहल बड़ा? अभी एक बार देखा ही ठेला के और हमरा तरफ देखा का तो के लगा था कि तू सही कर रहल बड़ा। और तू ऐसा सोच भी कैसे लेला कि तुझे कहबा वो हम मान ले? ओके हाँ, यू नो व्हाट, हमने कहीं और चलल जाओ। यहाँ पास में एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहाँ की एम्बियंस भी बहुत अच्छा, तो के अच्छा लगी। लेट्स गो। वो रेस्टोरेंट में खाना खाए खातिर हमारे पास पैसा नहीं है। इट्स ओके, अभी हमारे पास कुछ पैसा बा, हमने खाना खा ले, वहाँ पे चल जाओ। अब अच्छी जगह जाए तो तार मूड भी अच्छा हो जाए। लेट्स गो। अपन पैसा तो अपना पास ही रखा, समझ लू? तोरा हमारा साथ खाना खाए के बा या फिर रेस्टोरेंट के एम्बियंस में बैठे के बा? हाई रेस्टोरेंट, हाई फ्लाइंग रेस्टोरेंट, लग्जरियस रेस्टोरेंट के नशा में तो इतना डूब गए बाड़ू ना कि तू पूछे भूल गए कि हम तोरा ऐजा लेके कहा आयल बानी। तोरा हमरा से बात करे के बा या फिर एगो हाई फ्लाइंग रेस्टोरेंट में खाना खाए के बा? अब तोरा डिसाइड करे के बा कि तोरा का चाहिए, हम या फिर पैसा। जवाब था तहार सकल बतावा था, लेकिन हम फिर भी तहरा से सुने चाहत बानी। अभी तू कैसन बात कर रहा बड़ा? हम सिर्फ तहरा से प्यार करे नी, तो से बढ़ के हमरा ला कुछ भी नहीं खे। यू नो व्हाट, हम तेरे बारे में सोचत रहनी। तू एगो रॉक स्टार बड़ा, तोहर रेपुटेशन, नाम, इमेज, लोग का कहिए? अभी हमके कोनो फर्क ना पड़ेला लोग का कहिए का सोचिए। तू जाने लू हमारा असलियत का बा। रॉक स्टार तो हम सिर्फ नाम के बानी। एक अच्छा रेस्टोरेंट में अगर हमके खाए के मन करेला तो पूरब से उधार लेवे के पड़ेला, यहाँ तक के रिक्शा भाड़ा घर से लेवे के पड़ेला। केहू सही कहले बा कि इंसान के अपन औकात ना भूले के चाहिए। हम जहाँ से शुरुआत कैले रहनी वही जा वापस आ गए बानी, लेकिन हमके कोनो फर्क ना पड़ेला, लेकिन तहरा फर्क पड़ेला। अब तू डिसाइड करा ना कि तहरा का चाहिए, ई अभी की जेकर असलियत ई बा या फिर ऊ रॉकस्टार जेकरा से तू प्यार कैले रहलू। तो हमके ना समझ पैला अभी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ तहरा से प्यार करीनी, और शायद तरह से प्यार करे के हमारी सजा बाकी हमके हर दिन तरह के बतावे के पड़े। अभी अगर हमके हाई प्रोफाइल लाइफ इतना पसंद होखत तो हम अपन करियर बर्बाद ना करती या अपन मॉम डैड के घर छोड़ के ना आईती। और तू हमके कह रहा बड़ा कि हम तरह से ज्यादा तार पैसे से प्यार करीने? अभी अगर तू ये सोच रहा बड़ा कि प्रेगनेंसी की वजह से हम मॉडलिंग छोड़ देनी तो तू गलत समझ रहल बड़ा। कहे कि अगर हम चाहती तो अबॉर्शन करवा के भी फिर से मॉडलिंग शुरू कर सकत रहनी, लेकिन हम ऐसे न कहनी। कहे कि ये बच्चा हमने के पैर के निशानी हो और तहार दादी की इकलौता खुशी। एला हम अपन सब खुशी के बारे में सोचल छोड़ देनी और सिर्फ बच्चा के बारे में सोचनी।
और तू हमरा पे इल्जाम लगा रहल बाड़। ये हर्टिंग में अभी। अगर तू हमरा से प्यार करेलू तो हमरा साथ ही स्टॉल पे खाना काहे नहीं खाते। अगर हमसे प्यार करेलू तो हमार पसंद के नापसंद काहे करत आरू। कल के जब हमने के पास पैसा ना हो कि तो हमने वो रेस्टोरेंट में कैसे खाना खाए। हाउ विल वी अफोर्ड इट। अभी बात ही ठेला की ना। कल के केहू हमने के अगर फेंक के रोटी भी दी तो वो तहरे वजह से तरह सा तू खा ले। पर हम ये वक्त यहाँ पे खाना एला न खे नहीं कहे कि यहाँ के फूड कितना अनहाइजेनिक है। अगर हम ही खाना खाए नहीं और हमके फूड पॉइजनिंग हो गई तो ये हमने के बच्चा ला सेफ ना है अभी। और तू ही हमके कहले रह ला ना कि हमने के बच्चा के ध्यान रखी। हम तो बस उहे करत रहने। पर अगर तो के बुरा लगल है तो आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस हम आज के बाद ऐसे ना करब। तुझे बोलबा, तुझे कहबा, जैसन कहबा हम वैसन करब। आज हम ये बात जान लेनी है कि हमके हर रोज अपन प्यार साबित करे के होगी। चलो ना तनु, तारा अब और कुछ ना साबित करे के बा। ई बात के तू हमरा से प्यार करेलू हमरा पैसा से ना। बस तारा सिर्फ ई बात केहू के सामने कहे के। तनु वाकई इनकर डिवोर्स वाला बात बता दी तो पता नहीं का करी, कैसे रिएक्ट करी। ई पहले से इतना गुस्सा में बाड़े। डिवोर्स वाला बात पता चलते ही हमरा से डिवोर्स मांगी। और बात अगर कोर्ट तक पहुंच गई तो सबकर पता चल जाए कि हमारा डिवोर्स ऑलरेडी हो चुकल बा। ओकरे बाद तो ये और गुस्सा हो जाए और पता नहीं का करी। तनु के रोके की पड़ी पर कैसे। आई थिंक ये राइट टाइम है हमके खुद तनु के फोन करे होगी और जिगरा खातिर हम के और के बारे में सोचत रही। हेलो, हुज दिस? हेलो, हाँ प्रणाम मैडम। के बोल रहल बा? आप शायद हमके भूल गए होगी है। आप शायद हमके भूल गए होगी है, लेकिन हम आपके कैसे भुला सके नी। व्हाट रबिश, के बोल रहल बा? ना तो हम फोन रखा था नी। अरे मैडम, हम आपके आपके बिल्डिंग का चौकीदार। आपका फ्लैट जल गल रहे हूँ। रोज आते जाते हम आपके प्रणाम करत रहे। आप हमके टिप भी दे रहे। देले होगी तो फोन काहे कर ले बा। ओ मैडम, का बताई, गांव में बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रहा बा। आप 10 लाख दे दीजिए ना तो 10 लाख पे हमार सब मुसीबत टल जाई। व्हाट, 10 लाख? तार दिमाग तो खराब ना हो गई बा? 10 लाख रुपया? और काहे दिए तारा के 10 लाख? देखो फोन रखा, और अगर दोबारा फोन कर लेना तो हम। ना ना मैडम, फोन मत कटिए। देखा आप फोन कटिए तो हमके गुस्सा आ जाए। जे हमके गुस्सा आ गल तो हम आपके दुश्मन से हाथ मिला ले। और जे बा हमके 10 की जगह 20 लाख दे। दुश्मन के? दुश्मन उतारा के 20 लाख रुपया काहे दी? एहिला काहे कि हमके तहरा पे गुस्सा आ गई। ताप के सच लोगन के बता देब ना। और सच का कुछ तो कीमत हो के लाना मैडम जी। कौन सच? वो है सच मैडम जी, जे आपके लागेला की केवल आपके ही पता बा, लेकिन हमके भी पता बा। आप अभी सर से झूठ बोल रहल बानी। वो बच्चा भी तो अभी सर के ना बा ना। का हुआ मैडम? माता के पसीना पोछ लो और पानी वानी पी लो। तू कोनो मजाक तो ना कर रहल बाड़ा? आपके लग रहल बा मजाक ही कर रहल बानी तो ठीक बा। हम दूसरा इंसान के फोन कर ले तानी। ठीक बा, रखत बानी। रुका, तेरा पास कोनो सबूत बा? हाँ हाँ ना सबूत, एकदम पक्का सबूत बा हमरे पास। का सबूत बा तेरा पास? हम आपसे मिल के आपके देखाइब ना मैडम जी। हम फोन करब आपके। कब करब फोन? बताई बाप इंतजार कर, रखत बानिया। अच्छा तो ये तू रहलू? हम करत रहनी मतलब? ज्यादा बना मत, हमके पता कि तू ही फोन कैलू है और आवाज बदल के बकवास करत रहलू तू। हम कब कहीं तरह के फोन, और हम काहे कर फोन अभी तो तरह से मिल के आई नहीं। तरह से कुछ कहे के हो तो हम तभी कह दी थी हम।
भी वजह फोन करके अपन टाइम और पैसा का वेस्ट करती। अच्छा तो तू फोन न कैलू तो तू अहिजा का कर रहल बाड़ू? आ चुप चुप के फोन पे केकरा से बात करत रहलू? का लगेले बाड़ू तू? तरह के फोन कैले रहनी, तरह के हम लॉयर से बात करत रहनी अपनी। उस सबके सामने हम लॉयर से बात ना कर सके, यही लाई यहाँ आके बात करत रहनी। और अगर मान भी ली हम तरह के फोन कैनी तो ऐसा का कह देनी जी ऐसे बोखला रहल बाड़ू? तू कॉल बैक करके चेक करे ना कि हम नहीं फोन कैले रहनी की ना। ना तनु एक ही मत बताइए कि वो फोन पे का बोलत रहे। अगर ये सच में फोन ना कैले तब बे मतलब है कि हमारे सीक्रेट के बारे में हिंट मिल जाए और फिर ये सब छोड़ के हमारे सच पता लगावे में लग जाए। का भेल हमारा आवाज कान तक ना पहुंच रहल भैया कि हमारा आवाज कान में गूंजले इला हर फोन लागे लगी हमारे फोन होगी। तू पक्का हमके फोन ना कैलू? बार बार का एक ही सवाल कर रहा बाड़ू। लेकिन अब तो हमके भी पता करे की बाकी कौन इंसान बा जे तरह के फोन कर रहा बा। और ऐसा का कह देलक जी तू इतना परेशान हो रहा बाड़ू, आई एम श्योर कुछ इंटरेस्टिंग कहले होगी। लावा हमके फोन दाम कॉल बैक करके देखत आनी की कर फोन। छोड़ा, लीव माय फोन। अरे हम तार मदद कर रहल बानी, पता तो चले की फोन कैले रहे। हमके ना चाहिए कोई हेल्प। छोड़ा, का हो रहल भाईजा? देखो ना अभी प्रज्ञा बेवजह हमके तंग कर रहल बड़ी। हम तरह के परेशान कर रहल बानी, उल्टा हम तार परेशानी दूर करके कोशिश कर रहल बानी। तू कर रहल बाड़ू कि हम तरह के फोन करके पता ना का कह देनी जे तू इतना गुस्सा हो रहल बाड़ू। हम तार कंफ्यूजन क्लियर करके कोशिश कर रहल बानी। वो नंबर पे कॉल बैक कर ली ना जहाँ से फोन आल रहे। ये कौन फोन कॉल के बात कर रही है? हम भी तो ये पूछ रहल बानी, पता ना की कर फोन रहे और का कहत रहे तरह से। बोला तनु? कुछ ना, अभी कोई फालतू इंसान रहे जो फोन कैले रहे। आई थॉट कि प्रज्ञा फोन कैले बड़ी बट प्रज्ञा फोन ना कैली। कोई सरफेरा होगी, यू नो ना हमनी के तो ऐसा फोन आवत रहे ले, राइट? तू चला हमरा साथे, हम के तरह से बात करेंगे। बाल बाल बच गई नहीं, लेकिन खतरा अभी टलल ना बा। अगर तनु अभी इनसे बात कर ले लग तो जॉनी कामला इतना बड़ रिस्क ले ले बानी वो है बेकार। मिथाली हमसे बोलत रहे कि राज पैसा कैसे भी आवे लेकिन आवे के चाहिए, जरूरी हो खेला। लेकिन हम कबो अपन ईमानदारी का रास्ता ना छोड़नी। लेकिन अगर सौतेलापन देखला के बाद हम ये डिसाइड कहनी कि अब हम पैसा कमाई कोनो भी रास्ता से कमाई, चाहे ओकर अंजाम कुछ भी होके, लेकिन हम बड़ा आदमी बनब और हम एके बर्बाद करके दिखाई और आप सबके उ दिन दिखाई जे हम जेल में दिखले बानी, जे हम जेल में बितौले बानी, का दुख झेलले बानी हम वहां पे, हम सब हम आपके देव। आज वह दुख हम आप सबके चेहरे पे देख रहा बानी। खुशी बा हमके ही बात के, कम बात सिर्फ ही बात के कि हम एके पूरा तरीके से बर्बाद ना कर पाए और उकर वजह सिर्फ और सिर्फ ई भी है। क्या बात बा भाई, यहाँ कहाँ जमा बाड़ा? कौनो प्लानिंग स्लानिंग हो रहा बा का? ये लोग ऐसे काहे खड़ा बड़े ग्रुप बना के, अभी पता लगा बतानी। अरे अभी राज के लेके ऊपर गईल बा, बड़ा गुस्सा में लागत रहे। वो काहे राज ऐसन का कर देलस भाई? अब हमके घर में क्यों कुछ बतावेला कि हम आपके बताई? अरे जी हम देखनी वो हम आपके बता देनी। अब जाई देखा ऊपर का हो रहा बा। का इल्माम आप सब लोग एक साथ खड़ा बानी, का बल के ऊके बैठ हो रहा बा? ओह माय गॉड, कहीं अभी के राज भैया के बारे में सस्ता ना पता चल गई। पर कैसे, वो तो हर वक्त इतना अलर्ट रहे ले, कभी कोनो क्लू भी ना छोड़े ले, फिर कैसे पता चले? ऊपर जाके देखा था नहीं, हो सकेला कोनो और बात होगी। तू अभी ऊपर ना जा सकेलू, तू हो खेलू की हमके रोके वाली। तनो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये घर के बहू ही और हमारे बीवी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम ही घर के बहू बानी, अभी तक बनल ना बाड़ू। और वैसे भी हम तारा के रोक ना रहल बानी, वो तो अभी जी जो खुद कहले बानी कि अभी केहू ऊपर ना आई। अगर तारा के उनकर बात ना माने के बात तो ठीक है, तू शौक से जा सकेलू। ओ तब पहले बतावे के चाहत रहे कि अभी मना कर लेवा? कितना प्लानिंग कही,
कितना मेहनत कहनी अभी के पैसा में सेंध लगावे खातिर, लेकिन एक पेज पे साइन लेके सारा प्रॉपर्टी, सारा घर, हर बैंक बैलेंस अपन नाम कर ले हलस। फिर भी हम हिम्मत ना हारनी, हम अपन काम करत रहनी और पकड़ाल भी ना जीती। एकर बेवकूफी के वजह से हम पकड़ा गए। अब तो सच सामने आ ही गई, बता हम एक सच और बता दें। कि हम तोरा से नफरत करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा तोरा से नफरत करेंगे। अच्छा बना अभी एक अंजाम, चाहे कुछ भी होके, चाहे हमके जेल भेजा, चाहे हमके काला पानी की सजा दिलवा दा, लेकिन ये नफरत कबो अंदर खत्म ना होगी। हम फिर भी तोरा से बदला ले, हम फिर भी तोरा बर्बाद करे के कोशिश करत रहब। और अच्छा बा भी ये सच सामने आ गई, बता अच्छा बात है ना अभी हमके छिप के कोशिश ना करे पड़ी। अब हम सामने से तोहरा के बर्बाद करा का भाई, जेल भेजब हमरा हाँ? कबो तो बाहर आए ना, हम बाहर आके हम वापस तोहरा के बर्बाद करा। दादी हम ये घर में खुशी लावे चाहत बानी, अब हमके लागत बा के हमरा बच्चा के आवे से शायद ये घर में कोनो खुशी आ जाए। हम डिसाइड कर ले बानी के हम एक दो दिन के अंदर ही तनु से शादी कर ले, वो भी कोर्ट में जाके, केहू के ना बताए। एक बार शादी हो जाए ओकरा बाद सबके माने की ही पड़ी ना, प्रज्ञा की भी। दादी आप हमरा साथे कोर्ट चलब ना? हाँ दादी, दादी एक बार वो लोरी सुनाई ना जे आप हमके बचपन में सुनावत रहली, बहुत मन करता ओकरा सुने के। कितना वक्त हो गई बा ओकरा सुने, शायद ओकरा सुन ली तो हमरा दिल के सुकून मिले। सुनावत बानी बेटा, सुनावत बानी। रब मेरी उम्र तैनू ला देवे, मैनू तेरी आई वे, मला आ जावे लाल री, जग जग जीवे तू। भाभी हम आपके दर्द समझी ले, का कहलू तू हमार दर्द समझ सकेलू ना प्रज्ञा? हमके तहरे हमदर्दी के कौनो जरूरत ना, आपन हमदर्दी अपने पास रखा। जितना उहा कमरा में तू राज के सुनवलू ना, ओकरे बाद हमके तहरा से कुछ ना सुने के। आपके गुस्सा चाहे छा, लेकिन हम वाकई कुछ भी जानबूझ के ना कहनी। राज भैया इनके इतना बात सुनावत रहले, सारा इल्जाम इन पे लगावत रहले, तो वो वक्त बिना सोच ले समझे हम सारा सच उनसे कह देंगे। यकीन उ वक्त हमके यही सही लगा। कितना झूठ बोल रहे बड़ू तू। हाँ हमके पता बाकी सब कुछ तू जानबूझ के कहलू। वहाँ कमरा में सब लोग जान गए रहले ना, पोल खुल गए राज के कि यह वो इंसान है जे इतना दिन से आलिया के मदद करत रहे। तब फिर हमार सच राज के बतावे के का जरूरत रहे तारा के? राज भैया के सच सामने आ गई, पर कैसे? अब तक की बात हम उनसे छुपा के रख ले रहनी। हम चाहत रहनी कि राज के कबो पता ना चले। हमके पता रहेगी राज के जबी बात पता चली तो वो टूट जाइए, अपना आप के संभाल ना पहियो। और प्रज्ञा हम अपन गलती के सजा भोगा चुकल बानी ना, इतना दिन तक राज जेल में रहले, ई सजा का हमरा ला कम रहे? बोला हम सोचत रहनी कि राज अब जेल से वापस आ गई बानी, उनके साथ जिंदगी के एगो नया शुरुआत करब, कौनो डिमांड ना रखब उनके सामने, उनके इतना प्यार देव कि उस जेल में बितावल अपन सारा सारा गम भूल जाइए। लेकिन तू
तहरा के हमार खुशी अच्छा ना लगा, एक झटका में सब कुछ खत्म कर दे लू सब कुछ। हम आपके सच उनके ना बतावे चाहत रानी, लेकिन भाभी हम मत कहा हमके भाभी, हम तहर भाभी ना बानी। पता बाना तहरा के कि हम तहरे तरह बने चाहत रहनी, दिल से इज्जत करत रहनी तहार, लेकिन अब दिल से नफरत करब तहरा के। ई घर के बॉस बने लू ना तू, घर में बहुत चाहे ले ना सब लोग तहरा के, लेकिन हम एगो पत्नी बानी प्रज्ञा, पत्नी, और पत्नी के सामने ओकरे पति के केहू भी बुराई करे ना, या केहू भी ओकरे पति के साथ बुरा करे ना, तब पत्नी बर्दाश्त ना कर सकेले, हम भी बर्दाश्त ना करब। राज सिर्फ हमार पति ना बनी, हमार प्यार बनी, हमार खुशी बनी हूं। हमके जिंदगी में भले पैसा ना मिले, कुछ भी ना मिले, लेकिन राज, हम राज के ना खो सकेनी। अगर तहरे वजह से हमार खुशी छिनल ना, तो हम तहरा के एक एक खुशी ला तरसा दे प्रज्ञा, चैन से बैठे ना दे, बर्बाद करके रख दे तहरा के। चल अच्छा बा, एकर एक दुश्मन गए तो दूसरा अपने आप बन गई। राज भैया के हम अपना हिसाब से तो यूज ना कर पाई थी, लेकिन मिताली भाभी के तो हम अपना हिसाब से चला ही ले। प्रज्ञा के खिलाफ ये हमार काम आए, लेकिन राज भैया पकड़ल कैसे गए ले? तू और बुलबुल बेटी बाड़ू हमार यही से नॉमिनी बना के रख ले रही, हम अभी मरल ना बानी हम, जे तू हॉल छीने चाहत बाड़ू, अब तो हमने मरले के बाद भी ओके छुवे ना पाइबू, हम आजे नॉमिनी से तोहर नाम हटा दे। नाम हटा दी माँ, लेकिन हम सच कर रहल बानी, जैसन आप सोच रहल बानी वैसन कुछ ना कर आयल रहनी हम। हे भगवान, कितना झूठ बोलबू प्रज्ञा, तू कितना झूठ बोलबू, तोरा तो खूने सफेद हो गई बा, झूठ बोले के भी कौनो कौनो हद हो खेले। तू इतना बचपन से लेके अब तक हम सोचत रहनी कि तोरा से ज्यादा अच्छी बच्ची तो केहू हो ही ना सकेले, लेकिन जे तू कहले बाड़ू ना, हमार हमार सर शर्म से झुक गई। अरे तोरा के पता बाना क्यों मैरिज हॉल से हमार घर चले ला, दाल रोटी चले ले, घर पे छत था सिर्फ मैरिज हॉल के वजह से, और तू अपन माँ के एक हद तक गिरावल चाहत बड़ो कि मैरिज हॉल भी हर पे चाहत बड़ो। अरे घर तक डायन भी छोड़ दे वेले, तू हमके धोखा दे लू हा? अरे पूरम, अच्छा भाई तू आ गई ला, देखा देखा ही का करे वाला रहे, वो तो अच्छा भाई हम आ गई नहीं, वरना ही हमार मैरिज हॉल हड़पत रहे। अरे ओ कुमकुम भागे मैरिज हॉल से हमार घर चले ला, और ही ओहो छीने वाला रहे, तोरा के पता बार अभी के सब जायदाद ओकर घर सब कुछ छीन ले लकी, एक लागल की ये हमरे साथ भी ऐसा नहीं कर ले, पर एक ही ना पता कि हम अभी के तरह इतना पागल ना बानी कि एकरे बात में आ जाए। तू कहत रहला ना कि सब कुछ ठीक हो जाए, का ठीक होगी ई, हमें की का सजा दे, हमके समझ में ना रहल बा, हमें से अपन रिश्ता तोड़ लेनी, एकर पहचान अरोड़ा उ नाम भी ऐसे छीन लेनी, लेकिन अब हमें की का सजा दे, हमके कुछ समझ में ही ना रहल। हम एगो काम करता नहीं, हम पुलिस के बुला देता नहीं, एक बार ही जेल के अंदर जाई ना, तब जाके एकर दिमाग ठिकाना पे आई। अरे जे कुछ भी कहले भी आना, वो भोला वाला आदमी के साथ ओकरे वजह से एक ही जेल में ही होके के चाहिए, हम एक ही ऊहे सजा दें, अब भी पुलिस के फोन करता नहीं। नामा माँ, आप ऐसा कुछ ना करब। हम करब, हम चाहता नहीं कि ये सलाखन के पीछे चल जाओ। माँ हम कहता नहीं, आप ऐसा कुछ ना करब प्लीज। हम करब। बस माँ बस। पूरब। प्रज्ञा दी प्लीज, प्रज्ञा दी आज आप हमके रोकब ना, और हम और ये सब ना देख सकेला, बस हो गए। माँ आप जैसन सोचा था नहीं वैसन बिल्कुल ही ना बा, जैसन कि आपके लगा था कि प्रज्ञा दी बाड़ी वो वैसन बिल्कुल ना माँ। माँ ये जौन कुछ कर रहल बाड़ी या अपन मर्जी से ना कर रहल बाड़ी, इनकर मजबूरी बा। माँ सच तो यही बा कि आज भी वह पुरान वाली प्रज्ञा बाड़ी, उतनी ही लविंग, उतनी ही केयरिंग,
वह प्रज्ञा दी जो दूसरा के तकलीफ समझत रहनी, वह प्रज्ञा जो दूसरा के दुख और दर्द बांटत रहली। माई आज भी आपके पुराण वाला ही प्रज्ञा बाड़ी। ये बदलल नहीं खी माँ। ये कैसे हो सकत बा? ये वो वाला प्रज्ञा ना है। अरे ये तो हमार आँख में आंसू भी ना देख सकत रहे। और तो की याद नहीं कि जब आए रहे वहाँ हमी के घर अपन रूप बदल के कितना रोक ले रानी हमें के, लेकिन ये हमारे एक बात भी ना सुन लग और अभी के सब कुछ हड़पने लग। ये हमार प्रज्ञा हो ये ना सकत। ये वो वाला प्रज्ञा ना भैया, ये कौनो अलग ही बा, ये हमार बेटी ना हो सकत। माँ इनके वजह से कुछ ना भेल, इनकर कौनो गलती ना बा। माँ आप समझ कहे नहीं खी रहल। माँ जैसन के आपके देखावल जात रहे, जैसन के आपके लागत रहे प्रज्ञा तिवारी, वैसन बिल्कुल नहीं खी माँ। वो जौन कुछ करत रही अपन वजह से ना करत रही, इनकर मजबूरी रहे माँ। और आप जानत हटी ये सब करे खातिर उनके मजबूर के कैलस आपके खुद के बेटी बुलबुल। माँ बुलबुल और अभी के दादी प्रज्ञा दी की सब करे खातिर मजबूर कैली। बुलबुल और अभी के दादी वो लोग ऐसा काहे कहले? अभी के दुश्मन से बदला लेवे खातिर। माँ आप सब सच जानल चाहता नहीं तो ठीक बा, हम आपके सब कुछ सच सच बताई। और माँ प्रज्ञा दी अपन मकसद में कामयाब भी हो गई। आलिया के और राज भैया दोनों के साथ सबके सामने आ भी चुकल बा। बस अब एक के दुश्मन बाकी बा, वो बड़ी तनु। अभी बैठा, कितना अच्छा मूड में रहला ना तू। वो प्रज्ञा के सारा मूड खराब कर देला, पर कोनो बात ना, हम तार मूड फिर से ठीक कर दे। अभी मत सोचो कर बारे में। और तू कैसे काहे लगेला कि तू अकेला बड़ा? हम बानी ने तोरे साथ। कम ऑन अभी ऐसे काहे बिहेव करत बड़ा जैसे हम कोनो स्ट्रेंजर बानी। बैठ अब बताओ, तू कहले रहला ना कि हमने बहुत सारा बात करब, तो करब बात। कैसन बात? कोनो भी बात। अच्छा बताओ हम कैसन लग रहल बानी अभी? पता बा तू जब भी हमरा से मिलत रहला हमेशा हमसे कहत रहला कि हम कितना प्रिटी बानी, ब्यूटीफुल बानी। अब तो कुछ बोले ला ही ना। अब केहू बार बार झूठ कैसे बोले? बोला कैसन लग रहल बानी? कैसन लगत बाड़ू? मतलब जैसन बाड़ू वैसन लगा तारू। अभी तू कितना अनरोमेंटिक हो गयला ना, वो प्रज्ञा के साथ रह के बिल्कुल उकरे जैसन हो गयला। और रूम भी ओकर है ना, ऐसे ओकर हवा फैलल है। ऐसे तो हम कहत रहनी कि कहीं बाहर चलल जाओ। सॉरी, वो सिर में दर्द रहे ही खातिर दिमाग चलत नहीं है। सर में दर्द था? हम दबा दी तनु। आंख बंद कर लो। ऐसा हम का कर कि तनु कमरा से बाहर आ जाओ और ओके हम पे शक भी ना होके। हाँ ऐसे काम बन जाइए। तहर फोन बजत बा। बजे था तहर फोन फिर से बजत बा। तोहर ध्यान फोन पे बा। तू 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 फोन पे बोल का है ना, देती तोरा बात ना करे बा। तू कल फोन करबू लावा हम बोल देता नहीं। हेलो तनु, ये बिजी भी हो तोरा कल फोन करी। ऑलराइट अभी सर तोरा कैसे पता कि हम अभी बोला तनी? आपके आवाज सब फैन बाड़े ना, आपके आवाज के नाम पहचानी, हम भी फैन बाड़े। हमार फैंस तोरा फोन काहे करत? देखा सुन के अच्छा लागल कि तू हमार फैन बाड़ा, लेकिन प्लीज कल फोन करिया। माफ करिया सर, लेकिन का बना बहुत जरूरी बात करे के रहा तनु मैडम से। अब आप फोन उठा ले बानी, आपके बता देता नी। का बतावे के बा? बहुत गहरा राज है।
राज कैसन राज आपके क्यों खास बा जे आपके उल्लू बना रहा बा का बकवास करत रह तू तार हिम्मत अभी हम बात करत नहीं हम बात करत नहीं ना कोनो बात ना कैसे सौ फोन आवेला हमके हम अच्छा तरीका से जाने ला कैसे हैंडल करल जाला ओके तो फिर फोन काट दा हमरा साथे बात करत रहलू बैठ के बात कर हमरा से अभी बस 2 मिनट हमें के एक ही सबक सिखा के बतानी बस 2 मिनट हैव यू लॉस्ट इट तार हिम्मत कैसे भइल अभी से बात करके अब फोन हां मैडम जो उठाई हुई से बात कर अब ना वैसे भी हमके लागत आप हमार काम करिए ना तो हम सर के बता देता नहीं सर हमार मदद जरूर करिए तो के कह दले कि हम इंटरेस्टेड ना बानी हम तब से पैसे के इंतजाम कर रहल बानी ठीक बा हम आपके याद दिलावे खातिर फोन कइले रहे कल फोन करके जगह बताई पापा वहां आ जाइयो रखत बानी अभी का भइल तू बेड से उठ काहे गइला दुनिया से तो ना उठनी ना कैसन बात कर रहल बाड़ा अभी तार फोन पे बात हो गइल ना अभी वो बात करल जरूरी रहे और हम ओके ऐसन सबक सिखाइनी है कि दोबारा फोन ना करिए सबक तो हम सिखले बानी कि जिंदगी में केहू से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट ना करे के चाहिए हम कहनी तरह से कि हम ठीक से फील नहीं के करत हमके अजीब सी फीलिंग होत बा हमके तो हर जरूरत बा लेकिन तू तो बहुत ज्यादा बिजी बाड़ू ना हमरा खातिर रहे दादा प्लीज थोड़ा देर खातिर हमके अकेला छोड़ दा अभी आई एम सॉरी प्लीज एक बार बात तो सुन ला हमार तनु इट्स ओके जाके सोच जा अभी 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 हमारे एक बार बात तो सुन ला अभी आई एम सॉरी अभी प्लीज चल तनु तो कहीं लेकिन अब जल्दी हम के इनकर मूड ठीक करे होगी तनु आदमी के साथ आयल तो यही तरफ रहे कहाँ गायब हो गई ली अचानक पर अब करल का जा करे के काबा ब्लैक मिरर के बतावल जगह पे जाए के पड़ी और का लेकिन हाँ तनु तू वहाँ पहले अकेले जेबू पेपर से भरल बैग लेके आए कुछ देर के बाद हम वहाँ पैसा लेके आई तू लोग के अपन बात में उलझा के रखिया हम वहाँ कुछ गुंडा लेके आए जैसे ही ब्लैक मिलर मिली ओकरा पकड़ के इज्जत दफना दे केहू के कानो कान खबर भी ना होखी ये तो प्रज्ञा के मारे की साजिश कर रहल बाड़े अपन मौत के बुलावा देले बाऊ हे भगवान ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी लगा था और एकर आवाज था हम पहले सुन ले पानी ओ के बाई कुछ समझ में ना आ रहल बा जे भी हा प्रज्ञा के उसे मिले अकेले ना जाए के चाहिए हमके अभी के अभी प्रज्ञा के रोके के होगी अरे वाह इतना कमाल हो गई बिल्कुल पहचानल ना जा रही दिया एकर मतलब हमनी के गेटअप एकदम सुपर हिट बा पूरा अरे महीना के पैसा तो दे दे लगना जानकी फिर काहे आईला तू घर पे चल हट प्रज्ञा कहां बिया माँ हम भी उनका ही वेट कर रहल बानी पता ना कितना देर लगा होता नहीं तैयार होके में तो एगो काम करना फोन निकाल के ओके ओके फोन करके बुला ले हमके बहुत चिंता हो रहल बिया हमके ओके हम ही प्रज्ञा बानी ई मजाक कर रहल बा देख लो दादी जब माँ के आंख ना पहचान पैलस तो केहू और का पहचानी प्रज्ञा तू तो उतार दे सब अरे ना तू कहीं ना जाइबू तो रखी कहीं जाए की जरूरत ना का हो गए लेकिन काहे ना जाइब माँ आप अचानक से एकदम का हो गए कल तक तो आप तैयार रहनी तो आज अचानक ऐसे मना कहे करता नहीं कहे कि हम जे सुन ली है ना अगर तू लोग सुन ले बा तो एक ही घर से बाहर भी ना जाए देबा ऐसन का सुन लेनी आप माँ की जाए होगी इतना दूर तक आके हम पीछे ना हट सकी नहीं माँ ही मौका हम अपन हाथ से ना जाए दे आपके नहीं खे पता ये आज कोर्ट गए रहले तनु से शादी करे खातिर
बहुत मुश्किल से है हम तनु के इतना जल्दी उस जगह बुलावले बानी ब्लैक मिलर से मिले खातिर। अगर हम वहाँ ना पहुँचनी तो कले ये तनु से शादी कर ली और हम वो ना देख पाई। हम भी ना देख सके नहीं कि अभी के और से शादी कर लेवे। हमके पता बा कि जे कुछ भी तू कर रहल बाड़ू सिर्फ अभी खातिर कर रहल बाड़ू, अपन और अभी के अच्छा जीवन खातिर कर रहल बाड़ू। लेकिन तू बतावा हम का करें। हम अभी अभी बुलबुल के खोनिया, हम तोरा के ना खो सकब ना ना प्रज्ञा। अगर तोरा के कुछ हो गए तो हमके कुछ ना होखी माँ। ये लोग के आशीर्वाद बा हमरे साथ और हम अच्छा काम करे जा रहल बानी ना, तो भगवान हमरे साथ बुरा काहे करी है। फिर भी दादी आज जब हमार हिम्मत टूटत रहा तापे हमसे कनी ना कि शायद ये हमार कुमकुम के परीक्षा है, शायद यो परीक्षा के हिस्सा है। हम आज पीछे ना हटब, हिम्मत ना हरब, हमके आज ही अपन मकसद में कामयाब होके के बा। दी बिल्कुल ठीक कह रहल बानी, हमने के यहाँ पहुँचे में इतना वक्त लगल, यहाँ से पीछे जाइल भी तो ठीक नहीं ना। और माँ आप कहे इतना टेंशन लेता नहीं, आपके बेटा बा ना, हम वादा करता नहीं अपन जान लगा दे बाकी प्रज्ञा दी के कुछ ना होके दे। हमार मन भी ना करत बा एके वहां भेजे खातिर, पर जेकरा लाई इतना तपस्या कैले भी आई, आज अगर फल लेवे के मौका मिलल बा तो हम एके कौने मुंह से रोकी। हम कुछ बोली, हमरे ख्याल से आप लोग ना उस शक्ति के भूल गेल बाड़े जेकरे मर्जी के बिना एगो पत्ता भी ना हिल सकेला। जे अगर उ प्रज्ञा के लंबा उम्र देले बानी तो एकर मतलब है कि अमराज भी होकर कुछ ना बिगाड़ सकेले। हमके पूरा भरोसा है कि जीत अपने ही होखी, इतना सब सच्चा लोग के दिल थोड़ा तोड़ सकेले हूँ। अब हमके लागता कि तनु शायद पुलिस के डर से भाग गई, का जरूरत रहे पुलिस के यूनिफॉर्म पहन के। दिया माँ के प्रॉमिस के लिए रहने कि आपके कुछ होके ना दे, और तनु कहीं ना गैल बाड़ी दी, वो यही कहीं छिपल होकी और आई एम श्योर पुलिस के जाए के वेट कर रहा होकी। रॉनी तू एगो काम कर, तू यहाँ से धीरे धीरे जाओ, जहाँ अंधेरा दिखे वहीं छुप जाइया, और हाँ बाहर तभी जब कोनो खतरा दिखे, बस ठीक बन जाता। काले रानी ना घूमत घूमत आइल बा और घूमत घूमत चल जाई, अब खतरा नहीं है। पर अब हम नहीं का करल जाओ, अंदर जल जाओ। रुका, पहला हलचल पुलों के साइड से होके दा। पर अब हमके ना लागत कि तनु इतना आसानी से बाहर आवे वाला, हमके ही कुछ करे होखी। हाँ मैडम जी, का भाई डेरा के भाग गई निका, ना बाहर दिख रहा बानी ना अंदर आयल बानी। अंदर बुलावत बड़े, तू कहाँ पे बड़ा और सबूत कहाँ पे बा? सबूत भी अंदर बा और हम भी अंदर बानी, सबूत चाही तो अंदर आके ले जाओ। और हाँ जे आदमी लोग के भेज ले रहलू बहुत गलत कहलू, आप कम से कम बेईमानी के काम तो ईमानदारी से करा। सबूत चाहिए तो अंदर आके ले जाओ। आपके साथ ये आदमी आयल बा ओके भी अंदर आवे खातिर बोला। के बा हमरे साथ? आप अच्छा से जानत बाड़ो हम केकर बात करल बानी, वो है जेकर बच्चा आपके पेट में है। हाँ हाँ हमके सब पता बा कि उसके साथ आयल बा। बुरखा पहन के आई तक हम ना पहचानी, लेकिन हमसे डर के का जरूरत, हमके तो सब पता बा ना। कहाँ फंस गई हम? तनु अभी तक ना आयल, समझे ली का हम इतना इम्पोर्टेंस देवे ली, कहे कि हमार बच्चा के माँ बने वाला बड़ी, लेकिन अब वो हमके टेकन फॉर ग्रांटेड लेवे लागल बड़ी। आ जावे ना बताऊ बोकरा के। हम
कब से ही इंतजार में बानी कि तू हमरा से शादी कब करबा। हम आज तक तोरे से कुछ न मांगनी अभी और न ही तो के परेशान कहनी, पर बदला में हमके का मिल रहल बा। अगर वो प्रेग्नेंट ना होता तो आज उकरा के ऐसा जवाब देती कि जिंदगी भर याद रखत, लेकिन सजा था उकरा फिर भी जरूर मिली। अब का कर जाओ? हमरा ये बात समझ में नहीं खेवत कि बार बार हमने के अंदर काहे बुला रहल बा। हमरा तो लगा था अंदर कोनो जाल बिछौली हो कि हमने खातिर। वो तो हमने के अंदर जाके बातें पता चली ना कि अंदर बा का। या राइट, मतलब अंदर दलदल बा या ना वो चेक करे खातिर हम वो दलदल में घुसे। तो की पता बा अगर गुस्सा में आके सबूत लेके वापस चल गई तो तो के बिना देखले ही बता देला कि तू यहाँ पे बड़ा, तब तो के पास पक्का कोनो सबूत बा। और अगर तोहके इतना डर लग रहल बा ना तो ठीक बा, हम ही पैसा लेके जात रहल बानी अंदर, तू आइजे रुका। अरे रुका तनु 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 स्टूपिड गर्ल, चिल्ला भी नहीं सकत। अभी तो हमारा पहचानत नहीं, लेकिन हमारा आवाज सुन के जरूर पहचान ली। दिमाग खराब हो गए। हम कोशिश कई नहीं पूरब, लेकिन हम लोग की ज्यादा फोर्स ना कर पाई नहीं। ज्यादा फोर्स करती तो शायद उनके शक हो जात। पता ना वो आदमी और तनु अंदर आई भी कि ना। दी आई एम श्योर वो अंदर जरूर है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि उनके अंदर आवे के पड़ी। दी तनु आ रहल बिया और साथ में बैग भी बा। वो अकेले बिया या ओकरे साथ के और भी बा? अकेले अकेले आ रहल बिया। आर यू श्योर? हाँ दी, आपके याद बना आपके का करे के बा। आप एगो काम करिए, आप वहीं जाके छिपी जहाँ हम आपके बतौले रहनी, और हम और रोनी वहीं जाके छिपब और आपके देखत रह, और आपके वो सीक्रेट रास्ता याद बना जोन बतौले रहनी। हाँ। दी आखिरी मौका बा, आपके तनु के सच्चाई ओकर मुँह से निकलवाए के ही पड़ी। और अगर कर बॉयफ्रेंड ओकर साथ बना दी तो दी सब कुछ सॉल्व हो जाए और हमने के परफेक्ट सबूत मिल जाए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, इनविटेशन कार्ड बा? ना वो तो ना बा। सॉरी मैम, आप अंदर ना जा सके नी। हमके बस 2 मिनट के काम है। एक्चुअली हमार माँ यहाँ पे कैटरिंग करल बानी, बस हमके उनसे मिले के बा। मैम बिना पास के अंदर जाके परमिशन नहीं खे। आज पूरा होटल फिल्म लाइन वाले बुक के लिए बाड़न। अब होटल के अंदर कैसे जाई? हेलो, हाँ आप यही जे आ जाए, हम यही जे वेट करल बानी। हाँ मैनेजर साहब, हम प्रज्ञा बोल रहल बानी, सरला अरोड़ा के बेटी। आप कुछ देर खातिर एंट्रेंस पे आ सके लिए प्लीज। थैंक यू सो मच। तू चला हमरा साथे, हमके तोरा जरूरी बात करे। हमके यहाँ बहुत जरूरी काम है, हमके मिले के बाकी हूँ से। हमार काम ज्यादा जरूरी बात, तू चला हमरा साथे। ना समझ रहल, कल रात से माँ के कुछ पता ना, फोन भी घर पे छोड़ के गल बानी। हमरा माँ के ढूंढ बहुत जरूरी है। सरला आंटी। हाँ लेकिन तोरा उनके फिक्र काहे होता? ये सब हमने बाद में भी डिस्कस कर सके नी, पहले माँ की ढूंढ ली। वो आदमी कहाँ बा जेकरा से तू मिले आयल रहलू? फोन कैले रहनी आ रहल बानी। नमस्ते मैनेजर साहब, माँ आज ए इवेंट की कैटरिंग के ऑर्डर ले ले रहनी का? ई इवेंट के तो ना ले रहनी, लेकिन एकर पहले के इवेंट के ले रहनी। ओके थैंक यू। देखा तू टेंशन मतला, हम पुलिस के इन्फॉर्म करता नहीं, वो लोग उनके ढूंढ लेंगे। चला घर चला। होश में लावा रेकरा। ए उठ रे, ए उठ। लगा तो ऐसे ना उठी। ए पानी लेके आ रे। अरे हिलाओ ना जोर से। ए उठ रे। अरे उठ रे। ए चली उठ गई, पट्टी निकाल। हम कहाँ बानी? अभी नरक नहीं खूब पहुंचल, ऐजे धरती पे बाड़ू। पर इतना जान लिया कि तोहार और नरक के बीच में एगो दीवार बा, और अगर तू हमार सवाल के जवाब ना दे लू तो वो दीवार गिर जाए। तो बोला जाए के बा नरक, और नरक ना जाए के बा तो तू सिर्फ हमके वो सच बता दा। हाँ कहे कि कुछ तो बा जे तू हमसे छिपा रहल बा, का बा सच? सच सुने के बा? सच ई बा कि जल्दी तोहार खेल खत्म होके वाला है, और ई सच
तू जितना जल्दी समझ जा, बाद में झटका तोहरा के उतने कम लगे। मान लेनी हम हा? और जब न्यूज़पेपर में आई ना तो और ज्यादा मान ले। खुश, अब हमरा बतावा कि और के सच जाने ला। प्रज्ञा जाने लेना, प्रज्ञा के पता बा। अगर प्रज्ञा के मालूम होत ना तो तू दोनों बचता ना, तो दोनों के सच सबके सामने होते। हमसे ही गलती हो गई, तनु के साथ डील करे से तो अच्छा रहे कि हम प्रज्ञा के साथ डील करती, पैसा भी मिल जाता और तू दोनों के सच भी सबके सामने आ जात। उम्र के लिहाज कर रहल बानी, यही से चुपचाप हमके सच बता दा, वरना हमके गुस्सा आइल ना तो एक ही झटका में का कर ले बा। तू मरबा मार ला, हम मरे से ना डरेनी। ए बांदर एकरा, न खाना न पिए खातिर पानी, ऐसा ही रखा एकरा, ऐसा ही कुछ दिन तक रही ना तो खुदे सच उगल दे। उगलबू ना, ख्याल रख रे कर। उ लोग माँ के मालवानी चर्च के पास कहीं ड्रॉप कर ले। दी तक कुछ पता चला लो? हम गयल तो रहनी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोनो इवेंट चलत रहे। हम अंदर भी गले, हमके लागल कि माँ के केहू कैटरिंग के ही कोनो काम दे ले हो के वहाँ पे। वहाँ पे इहो भी आये, हमने इतना ढूंढनी वहाँ पर माँ नहीं के मिलल हो। हमरे समझ में ना आ रहल ये हो का रहल बा। कहाँ तो हमने सोचत रहनी कि हमनी बस जीते ही वाला बानी, और कहाँ ये सब बैठे बिठाए नया मुसीबत आ गई। अब सरला जी की पता ना चल रहल बा, सरला जी के कितना बार समझौले रहनी, पता ना इतना लापरवाही कैसे कर गई नी। अपन फोन तो उनकी अपना पास रखे के चाहत रहे ना, खुद के तो के ध्यान ही ना रहेला, फोन के का करी है। आप लोग कितना समझौले रहले उनके, पर कुछ फायदा बहेल? प्रज्ञा की चिंता में घुलल जात रहनी, ना कुछ खात रहनी ना कुछ पियत रहनी।